मस्त। हाय गाइस, शूटिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं, देख सकते हैं आप, ये काइंड फिल्म्स की शूटिंग है श्रीमान जी। खतरों से खेलते ये कलाकार जी, हमारे बीच प्रियंका जी और हमारे बीच नवनीत जायसवाल जी, देख सकते हैं आप, रात के अंधेरे में 8 बजे ये कलाकार। और हमारे बीच कैसा महसूस कर रही हैं रोज जी? फिलहाल इस वक्त शूटिंग चल रही है नेपाल में और विदेश की आपकी ये नेपाल की पहली यात्रा है घनघोर जंगल में, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए इतने पानी में मैं भीग भीग कर आई, बहुत ठंडी लग रही है। और अगर मम्मी इस वक्त आपको देख ले इस हाल में गर्म कपड़े नहीं पहनी है तो मम्मी कितना नाराज होंगी बता सकते हैं आप? बहुत ज्यादा मम्मी नाराज होंगी स्वाई में। अच्छा अच्छा। और फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे भी जो है इस रात के अंधेरे में अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो फिर क्या डर लगेगा आपको? ऑब्वियसली डर लगेगा। अच्छा, शेर और कुत्ता और बिल्लियों को नहीं लगता डर, इसको ले जाइए साथ में। थैंक यू। देख रहे हैं मेकिंग में हमारे बीच मोहन सिंह जी हैं जो आज का दिन यहाँ पैकअप हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और यहाँ की जनता और यहाँ के लोग और डी आनंद जी का बहुत कोऑपरेशन मिला हमको, और इसी कोऑपरेशन की देन है और उसी के बदौलत इतने रात तक हम लोग शूट कर रहे हैं। लॉन्ग लाइफ काइंड फिल्म्स। और मैं लाहौटी जी को फिलहाल याद कर रहा हूँ। लाहौटी जी आपका दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन आपका चेहरा हमारे दिमाग में घूम रहा है, जल्दी मैं आपसे मिलने आऊँगा। और मैं चाहूँगा हमारे लाहौटी सर, हमारे संजय सर, हमारे मोहन सिंह सर बहुत लंबी उम्र तक जिएँ और काइंड फिल्म्स को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएँ। और ऐसे कलाकार फिलहाल हमारे साथ जो लगातार बने, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कहाँ गए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और संजय सर की मेहनत दिख रही है, रात को भी हम लोग को ठंड में पूरा मेहनत। और नवनीत जायसवाल जी प्लीज, आप कितनी सुंदर जोड़ी मिली प्लीज सामने आया, इतनी सुंदर आपको जोड़ी मिली, कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है कि मुझे इनसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ, मोहन सर से सीखने को मिल रहा है, संजय सर से सीखने को मिल रहा है। और इस लेवल का और इस समय शूट करना मुझे तो बहुत एक एडवेंचर की तरह लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। खतरों के खिलाड़ी। हाँ, अच्छा लगता है कभी खतरों से भी खेलना, तो ये लाइफ है और लाइफ से लाइफ में खतरे आते हैं तो खेलना ही पड़ता है। तो फिलहाल आप जिस रोल को अदा कर रहे थे और आपके साथ क्या कॉलेज में आपने किसी से रोमांस किया कॉलेज लाइफ में? कॉलेज लाइफ में रोमांस की बात है जहाँ तक तो खैर अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, एक लड़की थी जिससे आदमी प्यार करता था लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार के चक्कर में जीता था। मुझे लगता है शायद बैंक बैलेंस आपका कमजोर पड़ गया होगा। थैंक यू। फिलहाल मैं जाना चाहूंगा रोज मैडम, एक मिनट प्लीज प्लीज। वो हीरो बने रोज जी, क्या आपने कभी सामने आए प्लीज। जैसा कि आप इंजीनियर बनना चाहती थी और फिलहाल आप शूटिंग के लाइन में आई हैं, आपका सपना साकार हो रहा है, कैसा महसूस कर रही है? फिलहाल संजय सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके हर सीन को लिखा है और कैमरे के एंगल से मैं देख रहा था आपको, तो गॉड ब्लेस यू। मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में जो आपका चेहरे में मासूमियत है और ऐसा चेहरा है जो हिंदी फिल्मों में भी शूट करेगा और अगर रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों से शूट करेगा, तो संजय सर काफ़ी मेहनत किए हैं अपने डायरेक्शन के माध्यम से। ज़्यादा संजय सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इतने रात तक शूट करे सर, इतने टेंशन में थे कि जाना है वहाँ शूट करना है पूरी टीम को लेकर, लेकिन और भी टीम लोग सब ने बहुत मेहनत की है, अभी तक लाइट उठाकर खड़े हैं। कल आपको जो हमारे महाआरती मंच पर सम्मान मिला नेपाल में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम नेपाल में आई और फर्स्ट टाइम इतना सम्मान होना। थैंक यू, ग्रैंड वेलकम, मेनी थैंक्स। आप देख रहे हैं खोजबीन चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल खोजबीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खोजबीन खोजबीन चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसको फिर अलग से एक सेपरेट बोल दीजिए, लाइट दिखाइए।